दोस्तों ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य डॉट कॉम पे। तो जैसा कि आप लोगों की दोस्तों रिक्वेस्ट थी कि ऑप्शन चैन के बारे में बताइए कि ऑप्शन चैन किस तरीके से देखे जाता है, बड़ा बेसिक सा थम रूल है इसका, तो वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं कि एक सिस्टम भी कह सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको आप को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और एक बार आप समझ जाते तो बड़ा सिंपल हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है और उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। तो उम्मीद है कि मैं आपको कुछ इस सिंपल वे में समझा सकूं और शायद आपको जब ये समझ में आएगा तो ये बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हैं मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। और इसके ऊपर स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है आगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आज का कि ऑप्शन चैन क्या होती है, किस तरीके से देखा जाता है और कॉल्स का और पुट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हमें एक काम करना है, हमें सीधा अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र आप कोई भी हो सकते हैं, हम सिंपली गूगल पे सर्च कर रहे हैं NSE इंडिया, बहुत फेमस वेबसाइट है, सभी जानते हैं जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस पर आप क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शन आएगा और क्लिक करके पूरा इसका होम पेज ओपन होगा बिल्कुल इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों एक ये ऑप्शन दिख रहा है आपको इक्विटी का, ये देखिए ये एक ऑप्शन दिख रहा है ना इक्विटी का, तो यहाँ पर आपको एक एरो है डाउन साइड का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इक्विटी से हटा करके आपको करना है डेरिवेटिव्स में, क्योंकि जो हमारा ऑप्शंस मार्केट है और फ्यूचर मार्केट है ये दोनों मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव्स में आती है, खाली इक्विटी में नहीं आती है, तो इसलिए हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स लगाया। अब मान लेते हैं आपको कोई भी कंपनी जिसकी ऑप्शन चैन देखनी है, देखिए ऑप्शन चैन आप उसी की देख सकते हैं या उसी पे काम कर सकते हैं जिसकी जिसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है डेरिवेटिव्स मार्केट की। हर किसी स्टॉक में आप ऑप्शंस और फ्यूचर में काम नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर किसी स्टॉक्स में काम नहीं होता, 4 से 5 स्टॉक्स है सब में काम नहीं होता है, गिने चुने स्टॉक्स होते हैं उनमें काम होता है। चलिए हम एग्जांपल के लिए इंडेक्स भी है हमारे पास, इंडेक्स में भी डेरिवेटिव्स में काम होता है, तो आप इंडेक्स ले लेते हैं, हम निफ्टी 50 का इंडेक्स देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। निफ्टी हमने निफ्टी लिखा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया निफ्टी 50 का, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे नीचे जो ऑप्शन आए थे उसी पे हमने क्लिक करा है तो ये निफ्टी 50 ओपन हो गया, ठीक है। कुछ यहाँ पर डेटा है, कुछ नहीं बहुत सारा डेटा है, सारे डेटा को हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ऑप्शन चैन को देखना है। ऑप्शन चैन का ऑप्शन ये मिलेगा आपको, ये देखिए ऑप्शन चैन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी चैन खुल करके आ जाएगी हमारे सामने स्क्रीन के सामने, ये देखिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या देनी है, एक्सपायरी डेट, ये 28 मार्च 2018 को ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर हम खरीद करेंगे या बिकवाली करेंगे जो भी है उसका सारा सेटलमेंट 28 मार्च को हो जाएगा, राइट। तो क्या फ़ायदा आया क्या नुकसान हुआ वो आपको 28 मार्च को सौदा आपका पूरा स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि क्या होना क्या नहीं होना। तो एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि जो भी आपको एक टाइम लिमिट मिली है या कह सकते हैं कि लाइफ लिमिट मिली है वो 28 मार्च तक मिली है, तो जो भी आपका गोल है या जो भी आपने सोचा है वो 28 मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आप आगे की ऑप्शन चैन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आगे सेलेक्ट करके आगे की ऑप्शन चैन भी देख सकते हैं। चलिए हम 28 मार्च के ऊपर ही एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं ये इस तरीके से करूँगा ताकि पूरा दिखाई दे ये विंडो पे, राइट, ये राइट। ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको दिख रहा है ऊपर कॉल्स, राइट, ऊपर एक कॉल्स का ब्रैकेट है और यहाँ पर एक पुट्स का ब्रैकेट है, राइट। बीच में आपको दिख रही है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, सबका मीनिंग जानेंगे एक एक करके, कॉल्स पुट्स स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पर आप देखेंगे दो कलर्स हैं, एक यहाँ पर पीला था यहाँ वाइट हो गया, यहाँ वाइट था यहाँ पीला हो गया, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, ये तीन चार चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। कॉल्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉल्स की कि कॉल्स क्या होती है। कॉल्स का सीधा मतलब ये है कि आप किसी स्टॉक को इसलिए बाय कर रहे हो उसकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए जब आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक है
जो बढ़ने की संभावना है, जो बढ़ सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो उस बढ़ने वाली संभावना के अंदर हम कॉल्स के अंदर बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं। अब बात आती है कि हमारी एक संभावना है कि अब मार्केट कुछ दिनों में गिर सकती है, ठीक है, मार्केट में कोई एक फॉल आ सकता है, कुछ ही दिन के अंदर फॉल आ जाएगा। तो जब ऐसी संभावना बनती है या आपकी ऐसी एनालाइज है, टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं चाहे आप फंडामेंटली कर रहे हैं, तो हम पुट्स को खरीदते हैं, बेचना नहीं है, खरीदना ही है। कॉल्स को इसलिए खरीदा जाता है ताकि जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आए, पुट्स को इसलिए खरीदा जाता है कि जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट आएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कॉल्स और पुट्स का। कॉल्स बढ़ती हुई मार्केट के लिए है, जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट, पुट्स गिरती हुई मार्केट के लिए है कि जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट। अब बात आती है इस स्ट्राइक प्राइस की, भाई ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, इसका क्या मतलब है? ये जो बीच में जो लाइन देख रखी है या देख रहे हैं आप, तो सिंपल सा मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे कि ये बीच में लाइन्स दिख रही है, चलिए मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 10,200, 10,150, 10,250। तो सिंपल सा वे ये है कि अगर आप इसकी कॉल खरीद रहे हैं, तो कॉल का मतलब क्या होता है कि जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट। तो अगर आपने 10,200 की आपने कॉल को खरीद लिया, तो जितना भी मार्केट 10,200 से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना ही आपको प्रॉफिट आएगा। और अगर हम पुट्स की बात करें कि अगर आपने पुट्स लिया 10,200 की स्ट्राइक पे, ठीक है, स्ट्राइक तो वही रहेगा, स्ट्राइक प्राइस 10,200, और आपने पुट्स को खरीदा, तो अब आपको गिरने का इंतज़ार करना है। अब 10,200 से जितना भी गिरेगा नीचे मार्केट, उतना आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। स्ट्राइक प्राइस का सिंपल मतलब ये है कि जो आप कॉल जिस स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हैं, तो उससे जितना मार्केट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट, जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट, राइट, ठीक है। अब ये पीले और सफ़ेद का क्या मतलब है? पीले का मतलब ये है कि यहाँ से आप जितनी भी कॉल्स को ले रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कॉल्स का ब्रैकेट है इधर वाला, लेफ्ट हैंड वाला, तो यहाँ पर, यहाँ से आप जितनी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीद रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ठीक है। और जो ये पुट्स का आप देख रहे हैं सफ़ेद वाला, ये ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है ना। वाइट का मतलब है ये ऑलरेडी लॉस में है, और ये जो नीचे वाला जो आ गया यहाँ पर पीला कलर आ गया, तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब सवाल आता है, थोड़ा सा दिमाग चकरा गया कि भैया ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी प्रॉफिट में, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा देखिए, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, 10,195, राउंड फिगर में हम मानते हैं कि 10,200 रुपये निफ्टी का प्राइस इस समय चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 10,200 चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप 10,150 की कॉल खरीदते हैं, तो कॉल का मतलब क्या होता है, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट। तो आपने 10,150 की खरीदी और 10,200 के आसपास तो चल ही रहा है, तो 50 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो 50 रुपये प्रॉफिट में चाहे ना, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब सवाल उठता है, जी मैं इसको ही क्यों नहीं खरीद लेता, या मैं इनको क्यों नहीं खरीद लेता। दिक्कत दोस्तों ये है कि जितनी प्रॉफिटेबल वाले ये कॉल्स और ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस होंगे, उतने ही महंगे होंगे, ठीक है, उनके बीच में प्रॉफिट का मार्जिन कभी नहीं निकलेगा, ये चीज़ सोच के चले। जो आप यहाँ पर एक LTP प्राइस है, ज़रा हम देखेंगे, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए ये LTP देख रहे हैं ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको एक एक क्वांटिटी के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 6,700 स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम इसकी कॉल खरीद लें तो मार्केट 10,200 में चल रहा है, यानी 3,500 रुपये का डिफरेंस है, यानी 3,500 रुपये का तो स्ट्रेट वे फ़ायदा आ रहा है, लेकिन 3,500 रुपये का फ़ायदा तो आ रहा है, लेकिन एक की क्वांटिटी कितने की पड़ रही है हमें खरीदने के लिए, 3,580 रुपये की, यानी 80 रुपये एक क्वांटिटी के हिसाब से तो लॉस हो जाएगा, राइट। तो यही दोस्तों यहाँ पर खेल है, ठीक है, सिंपली है कि जितने ही आप प्रॉफिटेबल वाले स्ट्राइक प्राइस या स्ट्राइक प्राइस लेंगे, उतने ही आपको महंगे मिलेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर हम ये वाले देखेंगे, 10,150 वाला लेते हैं तो ये 168 का मिल रहा है, 10,200 वाला लेते हैं तो ये 125 रुपये का मिल रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, मान लेते हैं हमने 10,150 वाला स्ट्राइक प्राइस लेने की सोच रहे हैं, तो इसका लॉट 75 का है, यानी आपको एक क्वांटिटी पे काम नहीं कर सकते, 75 क्वांटिटी तो लेनी ही पड़ेगी, यानी एक लॉट आपको लेना ही होगा। हर
उसका अलग अलग लॉट साइज हो सकते हैं, पीएनबी का अलग हो सकता है, एसबीआई का अलग होगा, बैंक निफ्टी का अलग होगा, बैंक निफ्टी का 40 है, पीएनबी का 4,000 है, ठीक है ना, इनके लॉट साइज अलग अलग हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का 75 ही लॉट साइज हो। तो अगर इसका स्ट्राइक प्राइस, अगर हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर हम देखें, तो अगर हम 10,150 स्ट्राइक प्राइस पे हम इसको खरीद रहे हैं, तो 168 जो है यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 75 का लॉट है, राइट, तो आपको 12,600 रुपया देना पड़ेगा इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को खरीदने के लिए, ठीक है, इसको खरीदने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब 12,600 तो दोस्तों यहाँ पर फिगर आ गई है, लेकिन 50 रुपये का तो हमें ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट भी एक बार कैलकुलेट कर लो कि 50 रुपये का बेनिफिट तो ऑलरेडी मिल रहा है, तो देखिए 3,750 का तो ऑलरेडी बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये कॉल आपको अगर अगर हम एक स्ट्रेट वे कैलकुलेशन करें तो 9,000 रुपये के आसपास की पड़ रही है, अगर प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखा जाए, लेकिन पैसे आपको इतने ही देने हैं, 12,600 ही देने होंगे तो ही होगा, और 3,700 का तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, यानी अगर आप खरीद के और उसी टाइम बेच देते हैं तो आपको 3,750 तो मिल ही जाएंगे मैक्सिमम। तो मैंने जैसे कहा कि कॉल को आपको तब खरीदना जब मार्केट की बढ़ने की संभावना हो। तो अगर ये जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, अब 10,200 पे मार्केट चल रहा है, हो सकता है और नीचे गिरे, या कुछ भी हो सकता है, या थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ आके नीचे गिरे, लेकिन 10,200 है, अगर ये किसी भी तरीके से किसी भी एक दिन आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, 28 मार्च की एक्सपायरी है, अगर ये 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया किसी भी दिन, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है, 100-150 पॉइंट का वॉलेटाइल है मार्केट, किसी भी दिन मार्केट ने 10,350 तक चला गया, ठीक है, और आपने स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीद रखी है, ठीक है, 350 तक चला गया, तो 350 और आपने 10,150 में खरीद रखी है, तो ऑलरेडी डिफरेंस कितना आ गया, 200 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया, तो 200 पॉइंट का आपका बेनिफिट हो गया, किसी भी दिन चला गया, आप एग्जिट हो सकते हैं अपने ऑप्शन से, और 200 पॉइंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, जो उसका लॉट साइज़ है, तो 15,000 रुपये आपका बन गया, तो 12,600 रुपये दिया था, 2,500 रुपये आपका बन गया स्ट्रेट वे। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन के अंदर काम होता है, क्योंकि जितना कॉल्स के अंदर बढ़ेगा उतना आपको बेनिफिट है, और जितना पुट्स के अंदर गिरेगा उतना आपको बेनिफिट है। अब ये तो थी दोस्तों कॉल्स की बात, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं पुट्स की। भाई अब पुट्स में क्या बनेगा, मान लेते हैं 10,150 का आपने पुट खरीद लिया, ठीक है, अब यहाँ पर गिरना चाहिए, अब पुट की कीमत कितनी आ रही है, ज़रा कीमत देख लो भाई, 72 रुपीज़ का पुट मिल रहा है, ठीक है जी, 72 रुपीज़ का पुट मिल रहा है, लॉट वही 75 का है, तो आपको 5,400 रुपया खर्च करना पड़ेगा 10,150 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट को खरीदने के लिए। अब आपने ये पैसा खर्च करके पुट को खरीद लिया, अब आपको कम से कम मूवमेंट चाहिए कि आपका जो ये प्रीमियम प्राइस दिया है ये कवर भी हो जाए और आपको प्रॉफिट भी आ जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट 10,000 तक तो जा ही सकती है, इतना तो फॉल आ ही सकता है, 100-150 पॉइंट का मुझे फॉल मिल जाएगा अगले आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी उसकी एक्सपायरी है उससे पहले, तो आप उसको काम कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि 10,000 पे आ गया, ये किसी भी तरीके से 10,000 रुपये पे आ गया, तो 150 पॉइंट का आपको डिफरेंस आ गया, 150 पॉइंट मल्टीप्लाई 75, आपको स्टेट में 11,250 रुपये मिलेंगे, और 5,000 जो आपने दिए उनको वो उसमें से माइनस करके आपको 5 से 6 हज़ार रुपये बचेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी हम प्रीमियम अमाउंट देते हैं, ठीक है, वो हमें वापस नहीं मिलता कभी भी, ठीक है, वो आपका जो प्रीमियम अमाउंट आपने दिया वो चला गया, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है कि कितना मार्केट बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कॉल को लेते हैं तो बढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप पुट को लेते हैं तो वो गिरना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट आपने दिया वो आपका एक मैक्सिमम लॉस है भाई, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, चाहे मार्केट कितना ही नीचे गिर जाए, चाहे ज़ीरो हो जाए, ठीक है, आपका लॉस वो सीमित है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर कितना भी आ सकता है भाई, कितना भी कॉल खरीदा है तो कितना भी बढ़ सकता है, पुट खरीदा है तो कितना भी गिर सकता है, राइट। और ये दोस्तों ऑप्शन चैन है, सिंपल सा मेथड है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, हर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कॉल का अलग रेट है खरीदने का, पुट का अलग रेट है खरीदने का,
और दोबारा मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, कॉल हमेशा खरीदने यानी एक बुलिश सिनेरियो के हिसाब से या संभावना होती है आपको कि भाई बढ़ेगा तो ही कॉल को खरीदा जाता है, और पुट को तब खरीदा जाता है जब संभावना होती है कि मार्केट नीचे गिरेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन चयन का आपको सिस्टम समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये निफ्टी का है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है आप देख सकते हैं, मिड 50, बैंक निफ्टी, PSE, IT, इंफ्रा, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और हमारे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, उनमें से PNB है, SBI है, वेदांता है, जिसके मैंने कुछ ऑप्शंस मैंने आपको दिए, इन्फोसिस है, राइट। तो आप इसको देखिए, ऑप्शन चैन को एक बार देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, और कितना प्रीमियम आपको देना है तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो लिखा है उतना प्रीमियम आपको देना होता है इनके लिए। बाकी दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ऑप्शन से रिलेटेड मैं कुछ स्ट्रेटजीज लेकर ज़रूर आऊँगा ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, अच्छा पैसा इसमें से अर्न कर सकें। तो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।